ध्यानाकर्षण पर आधारित एआरपी तथा शिक्षकों के लिए क्विज नंबर 2 जनपद झांसी के लिए जारी कर दी गई है, जिसको हमें भरकर देना है। तो सबसे पहले कॉलम में हमें अपना ईमेल एड्रेस भरना है, फिर हमें अपना नाम कैपिटल लेटर्स में भरना है, हिंदी में नहीं लिखना है। फिर हमें अपने पद का नाम चूज करना है। मैं सहायक अध्यापक का हूँ तो मैं अपना सहायक अध्यापक पद चूज कर रही हूँ। फिर संस्थान का नाम में हमें अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मेरे विद्यालय का नाम पीएस कुराट है, इंग्लिश मीडियम, और आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपको विकास क्षेत्र का नाम में अपने ब्लॉक का नाम भरना है। फिर आपको अपने जनपद जिले का नाम भरना है। तेरा क्वेश्चन, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? तो इसका आंसर है पढ़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होने का क्या कारण है? इसमें सभी कारण हैं। ध्यानाकर्षण शिविर में तीन समूह बनेंगे ए बी सी। ध्यानाकर्षण तकनीक में समुदाय का सहयोग शामिल नहीं है। शिक्षण अधिगम चरण में कार्यपुस्तिका चरण नहीं है। ध्यानाकर्षण शिविर संचालित होगा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों ही कक्षाओं के लिए। ध्यानाकर्षण शिविर में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश शामिल है, नैतिक शिक्षा नहीं है। ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण पंचम सप्ताह में प्रस्तावित है। यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे 1-2-3 क्लास के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें कक्षा 5 में ही रखेंगे और ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत अलग से कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। इसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और इस तरीके से ये कम्प्लीट। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।